तो आप सब टेबल टेनिस खेलते हैं? Yes, sir. ये स्कूल की टीम है या कौन सी स्कूल की टीम है? एक्चुअली दुर्ग संभाग की टीम है। अच्छा, आपका जो टेबल टेनिस का सफर था उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ, क्या क्या नई चीजें सीखी, कैसे करते हो? नई चीजें तो बहुत सारी सीखी, जैसे फोर्थ पर्सन बनने के बाद पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी डेवलपमेंट। क्या क्या हुआ? पेशेंस बहुत डेवलप हुआ, मैं बहुत इंपेशेंट इंसान थी पहले, बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस बहुत था मेरे अंदर, तो वो कामनेस थोड़ा आया। आपकी सर्विस सबसे अच्छी कौन सी सर्विस करती? मैं साइड स्पिन जो करती हूँ टोमाहॉक में। टोमाहॉक कैसे होता है, क्या होता है टोमाहॉक? टोमाहॉक बेसिकली हैमर सर्विस, जिसे कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा करते हैं ना, मारते हैं ऐसे, तो वो मतलब हम टेबल के सेंटर साइड फोर्ट किसी में भी खड़े होते हैं, पर हम वो फेंकते हैं उस सर्विस। अच्छा, मतलब यूं? हां यूं। मैं खोलूं आपके लिए? नहीं सर, खोल देती हूं मैं। यहां पे तो टेबल टेनिस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि बॉल कभी भी लाइक रिफ्लेक्स, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एक्शन बॉल तो होना चाहिए, क्योंकि बॉल इधर से क्विकली डाउन द लाइन अपोजिट कोर्ट में भी जा सकती है, तो हमको हमारा रिफ्लेक्सेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रिपेयर करके चलना पड़ता है कि हम क्विकली रिएक्ट कर सके उस चीज को। और बघेल जी से कोई सवाल है आपके? उनके लिए तो उनको एक्चुअली हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमारे घर के पास, हाँ छत्तीसगढ़ में बहुत प्रोग्रेस करवाया है उन्होंने, और कुर्सी पार में अभी एक उन्होंने न्यू इंडोर स्टेडियम भी बनवा दिया, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपकी मदद कैसे करें? बस एक है सर, एक है मेरे, मैं जाती हूँ उनके साथ फेडरेशन वगैरह में, तो ये जो बच्चे जाते हैं उनको मतलब जो फेडरेशन की तरफ से टिकट का खर्च नहीं मिलता और वही नहीं मिलता, जबकि सामान्य परिवार से हैं सभी। क्या लगता है आपको स्पोर्ट्स के बारे में क्या करना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार को? टेबल टेनिस ज्यादा अभी फेमस ही नहीं है, और कई कई जगह पे तो टेबल टेनिस होता क्या है वो पता भी नहीं है लोगों को, तो वही एक चीज है कि यहाँ पे बच्चे नेशनल खेल के आ रहे हैं, नेशनल्स में मेडल्स नहीं लगा पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बट मेहनत उनकी होती है कि वो आगे खेलें जीतें, तो उस चीज में हमको एक वो नहीं मिलता मोटिवेशन और बैक सपोर्ट, हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, वो बच्चों को मिलती है तो बच्चे उस चीज से ज्यादा प्रेरित होकर और आगे करने की कोशिश करते हैं। बघेल जी, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है, मगर ये कह रहे हैं कि इनकी थोड़ी मदद टेबल टेनिस में अगर की जाए तो ये बहुत तेजी से आगे जा सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे। हेलो हेलो, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? हेलो करो, हेलो करो, सब कुछ ठीक है? क्या करते हो आप? मैं मॉडलिंग करती हूँ और मैं प्रॉपर कोरबा से हूँ, और छत्तीसगढ़ी मूवीज अभी निकलने वाली है मेरी कोरोंदा, जो कि छत्तीसगढ़ के गांव में ही हुई है धरमजयगढ़ में। आप फोटोग्राफी भी करती हैं या सिर्फ मॉडलिंग करती हैं? सिर्फ मॉडलिंग करती हूँ। मामा पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है, मम्मी है, घर पे एक जनरल स्टोर है हमारा। काफी मुश्किल होता है? होता है, मम्मी ने पूरा अकेले सब कुछ किया है। आप क्या करते हैं? ट्रेन में क्या करते हो? ट्रैक मेंटेनेंस कैसे करते हो? नट बोल्ट ढीला रहता है उसको टाइट करते हैं, चाबी जो गिरा रहता है उसको फिट करके और चाबी लाइनर फिटिंग करते हैं। तो कभी कभी ये बहुत बड़े एक्सीडेंट होते हैं जी, जैसे अभी पहले हुआ था जी। सबसे कॉमन कारण क्या होता है इसमें? मेंटेनेंस में ही कहीं ना कहीं खामी होती है। कहाँ पे होती है कमी? माने रख रखाव में ही कमी होती है, मानव भूल के वजह से ही कोई भी एक्सीडेंट होता है। धन्य हो गया, नमस्कार, धन्य हो गया।
बनाई? ये क्या? ये सर जो मैं आर्ट बनाती हूँ ना, उस चीज के लिए थोड़ी सी अपनी नॉलेज कलेक्ट कर लो, थोड़ा इधर उधर से नॉलेज कलेक्ट करके फिर रिटर्न करके देन उसके ऊपर वर्क करता हूँ। एक वर्क है जो अंदर रखा है, दिखाओ अपनी पेंटिंग्स दिखाओ इसमें। ओके, इसमें दिस वन इज कैनवस पेंटिंग 2x3 पे। नाइस। एजुकेशन यहाँ छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी से हुआ है, IKSVB यूनिवर्सिटी, और जॉब वहाँ पे है। तो क्या जॉब है? टीचर। कैसा चल रहा है? छोड़ दिया। क्यों? बस पसंद नहीं आ रहा था, फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ तो ज्यादा बंद के काम करना मुझे नहीं पसंद, तो मैनेजमेंट अगर पसंद नहीं आया तो मैंने क्विट कर दिया। देन अभी सर्च कर रही हूँ न्यू जॉब, देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। आप अपनी पेंटिंग्स को बेच पाती हैं? हाँ सर, बट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं बेच पा रही हूँ क्योंकि स्टेट का भी फर्क है, क्लासेस भी चलाती हूँ लेकिन उतना नहीं। देश में जो नफरत फैल रही है इसके बारे में क्या सोचती हैं? नफरत साइड में रख करके अगर सोचा जाए तो एजुकेशन इज मस्ट। अभी भी ये चीज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कास्टिज्म चल ही रहा है, तो वो चीज नहीं चाहिए। अगर आप एजुकेटेड है तो इस चीज को ये भी साथ में समझना चाहिए, बट आप एजुकेटेड है लेकिन ये भी चीज अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने अंदर तो ये चीज रॉन्ग है। आप कौन सी कम्युनिटी के हैं? मैं SC हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, तो ये आपको फेस करना पड़ता है कहीं ना कहीं सर, आता ही है। हिडन हैंड मतलब छुपा चलता है। हाँ, एक फ्रेंड है तो उसके साथ ये थोड़ा सा चलता था, घर में कोई फ्रेंड है, स्कूल में वो फ्रेंड उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही है, बट अगर वही घर पे उसको इनवाइट करती है शेड्यूल का पर में इनवाइट कर रही ब्राह्मण को तो वो खाती नहीं थी घर में। आपने पूछा क्यों? पूछा मैंने पर कोई आंसर नहीं था, वही है कि पेरेंट्स जो बोलते हैं आप पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, तो पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वही वो बच्ची फॉलो कर रही है, यही प्रॉब्लम आ जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई स्केचिंग की, पेंटिंग की? क्योंकि बघेल जी और मैं मतलब इस स्किल को डेवलप नहीं कर पाए। आईएसी मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज स्कूल में थी मैं तो मुझे लिटरली 5th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छी थी, उसके बाद फिर एक्चुअली आप देख रहे हो मैं हाइपर्स की छोटी हूँ, तो मुझे इस चीज के लिए सुनना पड़ा था। क्या सुनना पड़ा? मैं 36 ईयर की हूँ अभी। ओके, तो मुझे मेरे बैचमेट से इवन और भी लोगों से मुझे जो वो बुली करते हैं, जो इंसल्ट करते हैं, वो सारी चीजें सुनने मिली। मैं पढ़ाई में पीछे हो गई। क्यों पढ़ाई में? क्यों? तो ये जो बुलिंग कर रहे थे प्रेशर से, उसके कारण हो या कोई और कारण? नहीं, उसी चीज के कारण, बिकॉज डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी का अलग डिप्रेशन चालू हो गया कि बच्चा। तो क्या बड़ी बात है अगर आपकी हाइट इतनी? सर हमें लगता है ना, लेकिन हमारे कास्ट में आज भी ये चीज चलती है, ये मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। मम्मी का पहला टेंशन की लड़की है शादी नहीं होगी, ठीक है, तो ये एक पहली पॉइंट थी, तो उसके लिए मम्मी बहुत टेंशन आ गई कि अब शादी कौन करेगा, ये चीज हो गई। तो मैंने चलो लाइटली लिया, लेकिन मुझे उस एज में मुझ पे बहुत प्रेशराइज हो गई कि आपको लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो एक प्रकार से ये आपका आपका डिफेंस मैकेनिज्म था। क्यों नहीं मिलेंगे? ये हमारे टच में रहो, तुम ये रख लोगे मेरे लिए? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? जिनका नेशनल होगा कर्नाटक में। अच्छा, आपके यहाँ से कितने कितनी लड़कियाँ स्टेट लेवल की टीम पे जा पाएंगी? स्टेट लेवल पे तो सर बहुत सारे बच्चे लग रहे हैं, 400 से 500 बच्चे खेल रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, आप जीते हैं कबड्डी की टीम? जीते हैं, हम सेकंड रहे। अच्छा, हम लोग 2021 की भर्ती में शामिल हुए और हम लोग का स्टैपर रूल चल रहा था, 2 साल हम लोग का स्टैपर रूल चला है, और वो सर आपने आपके आने से वो 100% इस मंथ से हम लोग को सैलरी मिलेगी। हाँ।
बस सर हम लोग को एरियल भी दिलवा दीजिए सर, बैठे हैं सर। बोलो ना, बोलो आप। सर प्लीज सर, दो साल स्टेपर रोल पीछे का पैसा प्लीज सर दिलवा दीजिए सर, बहुत हो जाएगा। आप हमारे काका हो तो आप हमें दोगे ना प्लीज सर। एक और चीज बोलनी थी, आपके पास एक लेटर गया होगा सर शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट स्टार्ट कराने के लिए, सर वो सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दी सर। सीबीएसई में ऑलरेडी सब्जेक्ट है, 11वीं 12वीं फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर प्लीज उसको लागू कर दीजिए, हम लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा सर। हम लोग जिंदगी भर व्यायाम शिक्षक बन के ही रह जाते सर, हमें भी आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। प्लीज सर ये भी कर दो सर प्लीज। सर हमारे स्कूल में ना सब्जेक्ट फिर आर्ट्स कॉमर्स ये सब सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स और बायो है बस, तो आप प्लीज कॉमर्स और आर्ट्स लाइए ना। सर ये गाना सुनाइए ना। तुम्हारा फेवरेट क्या है? उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिन में ये सर से मिलकर हमको अच्छा लगा, सर को बोले हम कि डर घुस गया है, अंधेरी हो रहा है। आज के नेता है तो अच्छा ही लगा, इतने सामान्य दिल से बात की है।